आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर. मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी अगले दो घंटे तक. आज है रविवार 24 मई 2020 और आज का ये कार्यक्रम आपके पास आ रहा है एफएम 91.1 पर और इसके साथ ही साथ ये कार्यक्रम रेडियो मनपसंद के ऐप पर भी प्रसारित होता है, स्ट्रीम होता है. रेडियो मनपसंद का ऐप आप एंड्रॉयड या आईफोन दोनों पर उपलब्ध है, तो आप उस पर भी ये कार्यक्रम सुन सकते हैं. और ये कार्यक्रम रेडियो मनपसंद उस पर तो 24 घंटे और 7 दिन चलता है, और लेकिन ये कार्यक्रम आपके साथ, मैं अगले दो घंटे तक आपके साथ हूँ. और आज के कार्यक्रम में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारा स्टूडियो का फ़ोन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, 6287-4348 जो भी नंबर है. और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि आप हमसे संपर्क करें, हमसे बातचीत करते रहें, हम अकेले इस स्टूडियो में ना बैठे रहें, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं 0414-527-962 पर, 0414-527-962 पर. तो दोस्तों, आज 24 मई है. सबसे पहले तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों और सभी लोगों को आज एक विशेष त्यौहार है, ईद, ईद मुबारक कहना चाहूँगा. और आशा है कि आप इस त्यौहार को इन परिस्थितियों में जिस तरह से भी है फिर भी हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे. इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे. और सर्दियां तो काफ़ी आ चुकी हैं. सर्दी, आज का दिन तो थोड़ा सा धूप निकली हुई है, कल काफ़ी ठंड थी, काफ़ी थोड़ा बारिश भी हो रही थी. मिजरेबल वेदर कैनबरा का जिसे कह सकते हैं. अभी एक और सप्ताह है जब ऑफिशियल सर्दी यहाँ पर शुरू होगी, लेकिन लगता है 1 जून जो हमने अपनी डेट तय की हुई है सर्दी के मौसम की यहाँ पर, वो तो एक बात है, लेकिन सर्दियाँ इस डेट को नहीं जानती हैं. और कैनबरा की तो हमेशा ये परंपरा रही है कि एनजेक डे या 25 अप्रैल के बाद यहाँ पर ऑफिशियल सर्दी शुरू हो जाती है. और इस सर्दी में अगर आप अभी भी रजाई में दुबक कर बैठे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा, रेडियो मनपसंद शुरू हो चुका है, आप रजाई से निकलिए और इस कार्यक्रम का आनंद उठाइए, गर्मा गर्म कार्यक्रम का आनंद उठाइए. और यही नहीं, ऑस्ट्रेलियन सरकार, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया अब अपनी ये दूना फेंक रहा है. जी हाँ, पिछले लगभग दो महीने से सारा ऑस्ट्रेलिया हाइबरनेट कर रहा था, लेकिन अब इस हाइबरनेशन से धीरे धीरे निकल रहा है. थोड़ी बहुत चहल पहल दिखाई दे रही है कैफेज, रेस्तराज में, कल शॉपिंग सेंटर में भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी नॉर्मल सी आ रही है वापस. जो जिंदगी होती है वो जैसी जिंदगी हम जानते थे वो वापस आ रही है, और चहल पहल दिखाई दे रही है.
हमने भी अपनी कोशिश की है, मैंने भी अपनी कोशिश की है. अभी तो जहाँ तक मेरा पेड जॉब का सवाल है, अभी भी वर्किंग फ्रॉम होम, लेकिन ये अनपेड जॉब पहली बार आपके साथ एक महीने के अंतराल के बाद स्टूडियो से कर रहा हूँ. बड़ी हिम्मत की है यहाँ पर स्टूडियो में आने की, और आशा है आप हमारी मेरी इस हिम्मत का आप दाद देंगे और आपके साथ बातचीत भी होती रहेगी. तो आपने क्या किया इस दूना को हटाने के लिए? सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलियन सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ईट करी फॉर कंट्री. जी हाँ, जाइए रेस्टोरेंट्स में, खाना खाइए, कैफेज में कॉफ़ी लीजिए, इस इकोनॉमी को फिर से रीस्टार्ट कीजिए जो कि इस पैंडेमिक की वजह से एक तरह से थम गई थी, रुक गई थी. लेकिन क्या जिंदगी थम गई थी, रुक गई थी, उसके बारे में भी अलग से बातचीत करेंगे. आपने क्या किया? आपने क्या रिटेल थेरेपी की, या कुछ करी, या रेस्तरां, या कहीं बाहर निकलने की हिम्मत की, या अभी भी अपनी रजाई के अंदर दुबके हुए बैठे हुए हैं? आपके विचारों का हमेशा स्वागत रहेगा. जैसा कि मैंने कहा, आप हमें 0414-527-962 पर फोन कर सकते हैं. और आज के कार्यक्रम में जहाँ तक काफ़ी अभी भी पैंडेमिक का इफेक्ट तो चल ही रहा है, उसका वो दिखाई दे रहा है चारों ओर, और इस पर कई सेक्टर्स अलग अलग तरह से प्रभावित हुए हैं. एक ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी का जो एक सबसे बड़ा हिस्सा है एजुकेशन यहाँ पर फोर्थ या फिफ्थ जो है लार्जेस्ट इंडस्ट्री है यहाँ पर. लेकिन इस पैंडेमिक के दौरान जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, किस तरह से वो जूझ रहे हैं, और इंटरनेशनल और ओवरसीज स्टूडेंट्स हमेशा से ही, उनके लिए जब वो यहाँ पर पढ़ने आते हैं तो कोई आसान काम नहीं होता. उनको वैसे भी अन्य अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है एम्प्लॉयमेंट में, उनको हाउसिंग नहीं मिलती, उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ उसके ऊपर यह पैंडेमिक भी आ गया है. तो इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया उत्सव गुप्ता को. उत्सव गुप्ता एक यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर आए, लेकिन वो आजकल डोमेस्टिक स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ स्टूडेंट लीडर भी हैं. पारसा, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टूडेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, करियर ऑफिसर भी रह चुके हैं एएनयू में. तो उनके साथ इन विषयों पर बातचीत करेंगे. इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि जैसे जब बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस का राक्षस है, उसके दो मुंह हैं, एक तो हेल्थ क्राइसिस है, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस है. और इकोनॉमिक क्राइसिस में हमारे मजदूर जो हैं भारत में, प्रवासी मजदूर हैं, उनको बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. वो लॉकडाउन में ना उन्होंने अपने जॉब भी खो चुके हैं और अपना घर बार भी खो चुके हैं, और पैदल सैकड़ों मील यात्रा कर रहे हैं वापस घर जाने के लिए, क्योंकि कोई और अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है. तो उस विषय पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे. ये तो हुए कुछ गंभीर और संजीदा विषय. हमेशा की तरह थोड़ा बहुत तड़का भी लगना चाहिए. तो इस तड़के में आज हम आप सभी लोग इस लॉकडाउन के ज़माने में, वैसे भी एक योगा की लहर, योग या योगा की लहर दौड़ी पड़ी हुई है सारी दुनिया में, उस पर भी एक हल्की फुल्की नज़र डालेंगे. आशा है कि आपको पसंद आएगी वो वार्ता. बहुत कुछ है आज के कार्यक्रम में, म्यूज़िक है, फन है, और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपका हमेशा स्वागत है, और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 0414-527-962 पर. और शुरुआत करते हैं इस राहत फतेह अली खान के इस खूबसूरत गीत के साथ. इधर जाऊं उधर जाऊं, कश्मकश में हूं मैं, किधर जाऊं मुझको बता दे मेरे माला, खत्म गर हो गया सफर जाऊं. दिल में चुभने लगा है खार कोई,
पड़ गई है कहीं दरार कोई, मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज पे इश्तहार कोई। दिल में चुभने लगा है खार कोई, पड़ गई है कहीं दरार कोई, मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया, मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज पे इश्तहार कोई। छोड़ जाने दे करके गुजरा है मेरे ख्वाबों को तार तार कोई, मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज पे इश्तहार कोई। चाहता हूँ मैं पर नहीं रहती मुझको मेरी खबर नहीं रहती। मैं हूँ ऐसी कि जश्न से पहले टूट जाता है जैसे हार कोई, मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज पे दिल में चुभने लगा है खार कोई, पड़ गई है कहीं दरार कोई, मुझको पढ़ कर वो ऐसे भूल गया जैसे कागज पे इश्तहार कोई। जी हाँ जी हाँ, ये है खूबसूरत आवाज अपने राहत फतेह अली खान की। आशा है आपको ये गीत पसंद आया होगा। और जैसा कि कहा, आज ईद है और इस ईद के मौके पर मैं अपने सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों को ईद मुबारक कहना चाहता हूं। और ईद आपको मालूम ही है कि एक बहुत बड़ा त्यौहार है मुस्लिम भाइयों और बहनों के लिए। इस त्यौहार का इस बार वैसे देखा जाए तो इस वर्ष जो हैं जितने भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं वो कुछ अलग ही तरीके से मनाए जा रहे हैं। पिछले दो महीनों में ईस्टर देखा हमने, बैसाखी देखा, हिंदुओं का नव वर्ष देखा और अब ईद मनाई जा रही है। बहुत ही एक अलग तरीके से मनाई जा रही है क्योंकि अक्सर इन त्यौहारों पर अवसरों पर काफ़ी धूमधाम होती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं, लेकिन लगता है कि इस बार प्रकृति चाहती है कि हम इन त्यौहारों पर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना अंदर देखें। बाहर तो बहुत देखते रहते हैं और सोचें कि इन धर्मों का क्या अर्थ है। आपको मालूम ही है कि ईद, जहाँ तक ईद मनाने के ईद उल फित्र जो है उसके पीछे ये है कि इस दिन कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह ने कुरान बताया था और उसके लिए ये मनाया जाता है। और ईद का त्यौहार एक भाईचारे का आपसी मेल का त्यौहार है, इसमें एक दूसरे में के दिल में प्यार बढ़ाना और नफरत को मिटाना सबसे ज़रूरी है, इसलिए लोग ईद पर गले भी मिलते हैं। और आज के ज़माने में जब हम इस वायरस में, हमने बार बार सुना है कि वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईद का जो ये संदेश
आज जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब लोग मिलजुल कर हमारे ऊपर जो एक संकट आया है उसका एकजुट होकर मुकाबला करें। तो ईद सही मायनों में गले तो नहीं मिल सकते, हाथ नहीं मिला सकते, लेकिन फिर भी जो ईद के पीछे जो भावना है उसको निभा सकते हैं। ईद में दूसरा ये भी इस आपको मालूम है कि इसमें 30 दिन एक महीना तक जो है रोज़े रखे जाते हैं, और रोज़े कोई आसान काम नहीं है क्योंकि इसमें पूरा दिन आपको कुछ खाने पीने यहाँ तक कि जल की भी सुविधा नहीं होती। और उसके पीछे जो वो है कि जो अपनी सहन शक्ति है इसके पीछे वो सहन शक्ति की परीक्षा होती है, जो ताकि हमारा जो कैरेक्टर एक तरह से बन सके, जब समस्याएं आएँ संकट आएँ तो हम उन समस्याओं संकटों के सामने जूझ सकें। एक तरह से वो परीक्षा होती है इन रोज़ों में जब हम खाना नहीं खाते हैं। एक और आज के ज़माने में ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। पिछले 2 महीनों में हमें देखा कि हमें अपना पूरा जीवन परिवर्तित करना पड़ा, अपनी जितनी इच्छाएं थीं उनको दमन करना पड़ा, बाहर जाना, कॉफ़ी पीना, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, सब कुछ बंद करना पड़ा। एक तरह से हम लोग एक रोज़े मना रहे थे पिछले 2 महीने से। तो ईद की जो है ये दूसरी जो भावना है उसका भी हमने यहाँ पर देखा। और तीसरा एक महत्वपूर्ण जो भावना होती है ईद में वो होती है, इसमें गरीबों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। सबसे अहम मकसद है इसमें गरीबों को फितरा देते हैं, जिसमें वो लोग जो गरीब हैं मजदूर हैं वो अपनी ईद मना सकें, नए कपड़े पहन सकें और समाज में एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सकें। जी हाँ, ज़रूरी है कि समाज में हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सकें। और इस मामले में भी जो पिछले दिनों हमने जो संकट देखा है, हमने देखा है कि इस संकट का जो असर पड़ा है वो गरीब लोगों पर ज़्यादा पड़ा है, चाहे हमारे भारत में प्रवासी मजदूरों, चाहे यहाँ पर हमारे ऑस्ट्रेलिया में कैजुअल्स हों और स्टूडेंट्स हों, उन पर ज़्यादा असर पड़ा है। अमेरिका में हों, उन पर जो सबसे ज़्यादा जिन पर संकट आया है वह ब्लैक्स में। अगर ईद का सही संदेश माने तो ज़रूरी है कि हम उन गरीबों का भी ध्यान रखें। तो ये जो धर्मों के पीछे जो परंपराएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो सही में हमें तैयार करती हैं कि इस संकट के समय हम एक दूसरे का ध्यान रखें, अपना चरित्र बनाए रखें, कैरेक्टर बनाए रखें, और बाकी रिचुअल्स इत्यादि इतने ज़रूरी नहीं हैं। तो आशा है ये ईद जो है हम अलग तरीके से ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन ये ईद सही तरीके से जो उसमें जो भावनाएँ हैं उसके अनुसार मना रहे हैं। आइए एक बार फिर आपको ईद मुबारक और ये गीत सुनते हैं। सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। हे अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। Take case I saw.
संसार ईद से जब भी पाके यारो रब का शुक्र मनाइए। जी हाँ, आप सभी को ईद मुबारक का। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर और मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं 0414527962 पर टेक्स्ट या फोन के माध्यम से। और ये रेडियो प्रोग्राम आपके साथ न केवल एफएम 91.1 पर आता है, आप मोबाइल ऐप रेडियो मनपसंद ऐप पर भी सुन सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप के द्वारा और चाहे ईमेल tadka@radiomanpasand.com या फेसबुक। तो बहुत तरीके हैं हमारे साथ बातचीत करने के। और तड़के की बात आई है तो समय है कुछ तड़के का, और ये तड़का आज लग रहा है योग या योगा पर। आशा है आपको ये तड़का पसंद आएगा, और अगर आपको अच्छा लगे या खराब लगे, जैसा भी लगे, आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि आज सभी योगा सीखने में लगे हुए हैं और योगा अपने आप में कोई आसान काम नहीं है। सुनते हैं बांके की ये अनुभव। बांके का ये अनुभव। ऐसा लगता है सारी दुनिया में योग या योगा की लहर दौड़ पड़ी है। मैनहट्टन से मुंबई तक, लंदन से लॉस एंजलिस तक, सिडनी से श्रीनगर तक, योगा स्टूडियोज में, बीचेस पर, पार्क्स में, घरों में, जूम पर योगी और योगनियों ने धूम मचाई हुई है। बांके भला इस लहर से कैसे बचते? उन्हें भी योग सीखने का शौक चर्राया, और योग में गुरु की महिमा का उन्हें पता था, सो उन्होंने भारतीय गुरु को अपना गुरु चुना। यह उनकी पहली गलती थी। आपको और हमें पता है भारतीय गुरु और वेस्टर्न टीचर्स में अंतर क्या होता है। अगर बच्चा 2+2=5 बोलता है तो भारतीय गुरु सीधे एक झापड़ रसीद करता है। वेस्टर्न टीचर्स कहता है, शाबाश बेटा, तुम्हारा उत्तर करीब करीब सही है, थोड़ी सी और कोशिश करो, ये लॉली लो। बाकी के भारतीय गुरु अपने भारतीय शिष्यों के साथ भारतीय तरीकों से और वेस्टर्न शिष्यों के साथ वेस्टर्न तरीके से सिखाते थे, और बांके को योग में काफी गलतियां करने वाले थे। ये भारतीय गुरु अप मार्केट योगा स्टूडियो भी चलाते थे ब्रेडन के हिपस्टर्स एरिया में। हिंदू टेंपल एंड कल्चरल सेंटर यानी HTCC की फ्री योगा क्लासेस ज्वाइन करने के बजाय इस अप मार्केट योगा स्टूडियो को ज्वाइन करना बांके की दूसरी गलती थी। न केवल उन्हें इस योगा स्टूडियो को ज्वाइन करने के लिए 3 महीने की नॉन रिफंडेबल $1,000 की फीस देनी पड़ी, साथ में सारा तामझाम यानी मर्चेंडाइज भी खरीदना पड़ा। योगा स्वेट पैंट, योगा स्वेटशर्ट, योगा मैट, योगा बॉलस्टर्स, योगा बेल्ट, योगा ब्लैंकेट, योगा चेयर्स, योगा हेडस्टैंड और योगा रोलर वगैरह वगैरह वगैरह। हिसाब किताब लगाया तो $1,500 का और चूना लग गया था उन्हें।
उन्हें झटका लगा क्योंकि उन्होंने तो यही सोचा था कि योगी को तो महज एक लंगोट और एक चटाई की जरूरत होती है। मगर यह योगा स्टूडियो अप मार्केट था और साथ ही साथ अप मार्केट योगा स्टूडियो में यह भी थी कि इसमें गोरी महिलाओं की संख्या अधिक थी और बांके की यह तीसरी गलती थी। महाभारत की जड़ में जो बात थी वो ये थी कि दुर्योधन का जब पांडवों के महल में भ्रमित हुआ था तो द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाया था और यहां इस योगा स्टूडियो में एक नहीं अनेक द्रौपदियां थीं बांके का मजाक उड़ाने के लिए तैयार। और बांके बेचारे तो दुर्योधन भी नहीं थे खैर योगा क्लास का पहला दिन आया। बांके अपने सारे तामझाम के साथ स्टूडियो पहुंचे। पहला आसन था सूर्य नमस्कार। बांके ने इसे बहुत आसान समझा, प्रातः काल जो सूर्य की ओर जल चढ़ाकर नमस्कार करते हैं वही तो सूर्य नमस्कार होता है। मगर सूर्य नमस्कार कुछ ऐसा नहीं था। उन्हें अपने हाथ ऊपर कर फिर झुक कर पैरों को छूना था। कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल। जब उन्होंने पैर छूने की कोशिश की उनके हाथों और पैरों के बीच में प्रशांत महासागर की दूरी बनी रही। भारतीय गुरु ने भारतीय हथकंडे अपनाते हुए उन्हें घूरा, जैसे कह रहे हो बेवकूफ थोड़ी और कोशिश कर। मगर पूरी कोशिश के बाद भी वह दूरी उनके हाथ और पैरों के बीच में बनी रही। शायद शरीर के मध्य भाग में जो बांके का मध्य भाग था उसमें हिमालय पर्वत की तरह उभरी जो तोंद थी उसमें भी एक समस्या थी। बांके को यह महसूस हुआ कि उनका नाम बांके होने के बावजूद उनके शरीर में कोई बांकापन नहीं है। उधर उनके चारों ओर गोरी द्रौपदियां रबड़ की गुड़ियाओं की तरह बड़े आराम से पैरों को छू रही थी। बांके को तो लग रहा था कि वे बस काठ के पुतले हैं, वो भी हार्डवुड के। सूर्य नमस्कार अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्हें अब डाउनवर्ड डॉगी पोजीशन यानी अधोमुख श्वानासन करना था। सिर झुकाकर पीठ ऊपर कर और एड़ियां नीचे कर बांके अपने शरीर का संतुलन खो बैठे और अधोमुख यानी मुंह के बल लुढ़क पड़े और फर्श पर फैल गए पूरी तरह से। विदेश में 10वीं मंजिल पर इस चमकते दमकते योगा स्टूडियो में अपने ही देश के डॉगी पोजीशन यानी श्वानासन करते हुए फैल गए बांके को धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का मुहावरा समझ में आ रहा था। शायद एनआरआई का भी यही अर्थ है। गोरी द्रौपदियों की दबी हुई हंसी में उन्हें अपनी दुर्दशा का उपहास महसूस हुआ। गुरु की तनी हुई ब्रकटी में उन्हें 8वीं कक्षा का गणित के मास्टर याद आने लगे जो उन्हें रोज मुर्गा बनाते थे। शायद यह योगी गुरु भी उन्हें मुर्गासन करने के लिए कहेंगे। मगर अगला आसन था वृक्षासन यानी ट्री पोज। पेड़ तो सीधा खड़ा रहता है। बांके को लगा कि यह आसन भी ऐसा ही आसान होगा, परंतु यह आसन भी काफी टेढ़ा साबित हुआ। इस आसन में एक टांग को मोड़कर अपनी दूसरी जांग पर रखकर खड़ा होना था और हाथ फैलाकर खड़ा होना था। यह समझ में नहीं आता कि योगासनों में शरीर के एक दूसरे अंग जो मिलना नहीं चाहते उन्हें मिलाने की कोशिश क्यों की जाती है। बांके का डॉगी पोजीशन के प्रयास को देखने के बाद गुरुजी ने उन्हें ये रियायत दी कि बांके को दूसरी जांग के बजाय अपना पैर दूसरी टांग पर कहीं भी रख सकते हैं, जहां भी ठीक लगे। बांके ने अपना पांव घुटनों और टखनों के बीच में रखा और इसके बाद कमर से हाथ हटाया। जैसे ही उन्होंने कमर से हाथ हटाया उनका शरीर जोर जोर से दाएं बाएं हिलने लगा, जैसे कि साइक्लोन एम्फॉन में कोई ताल का पेड़ हिल रहा हो। इस आसन का उद्देश्य होता है कि ट्री पोज के दौरान शरीर मजबूती से एक स्थान पर खड़ा हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल कैबिनेट के सारे नेता एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ खड़े हों वैसा ही शरीर होना चाहिए। परंतु वास्तव में तो बांके का शरीर ट्रंप की तरह डावाडोल हो रहा था, पॉजिटिवली नेगेटिव और नेगेटिवली पॉजिटिव के बीच में। उनका पैर धम से कुछ ही सेकंड में जमीन पर आ लगा
उन्होंने तुरंत उठाकर वापस रखा, मगर फिर कुछ ही क्षणों में वापस गिर पड़ा। दो चार बार ऐसा प्रयास करने के बाद बांके ने प्रयास करना ही छोड़ दिया। उनके चारों ओर खड़ी गोरी द्रौपदियां वृक्षासन में एक बरगद के पेड़ की तरह बिल्कुल जमी हुई खड़ी थी स्थिर। उनके चेहरे पर हंसी की रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद के आसन को बांके ने जैसे तैसे पूरा किया। मर्जरासन यानी कैट पोजीशन में वे भीगी बिल्ली बने रहे। बिटिलासन यानी काउ पोजीशन में वे एक मरगिल्ली गाय के रूप में बने रहे। भुजंगासन में वे योगा स्टूडियो में हाइबरनेट करना चाहते थे किसी कोने में। उन्हें लगा इस सांप कुत्ते बिल्ली इत्यादि बनने के बाद शायद गर्धवासन भी होना हो। और गर्धवासन उनके विचार से बहुत ही जरूरी था, क्योंकि गर्धव यानी गधा हमेशा माइंडफुल मेडिटेशन करता रहता है, मगर अवसर आने पर दुलत्ती मारने से भी नहीं चूकता। उन्हें इस योगा स्टूडियो में इस योगा गुरु और द्रौपदियों पर दुलत्ती झाड़ने का दिल हुआ, और जब सब शवासन में आंख बंद किए हुए लेटे हुए थे, वे इन सब पर दुलत्ती मारते हुए निकल चले। अब वे एचटीसीसी की फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ओए रंता जोगी, ओए रंता जोगी, होए 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 होए, मैं प्रेम द प्याला पियो, मैं प्रेम द प्याला पियो, एक पल में सदियां जियो। ओए रंता जोगी, ओए रंता जोगी, होए होए होए, मैं प्रेम द प्याला पियो, एक पल में सदियां जियो। सारी मधुशाला पियो, एक पल में सदियां जियो। मैं पियो, मैं पियो, मैं पियो, जा पियो, मैं जियो। ओए रंता जोगी, ओए रंता जोगी, होए होए होए, ये जो लिया किसने
हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका सलमान खान. आप सबको सलमान खान का आदाब. तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर, और आशा है आपको योगा पर तड़का पसंद आया होगा. आइए अब अगली ओर चलते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं उत्सव गुप्ता जो कि पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टूडेंट्स एसोसिएशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं. और इस वार्ता का पहला भाग आपको मैं सुनाता हूँ, सुनिए. उत्सव गुप्ता का बारे में थोड़ा सा मैं कहूंगा कि वो पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो एएनयू की है उसके प्रेसिडेंट हैं, और इस एसोसिएशन में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स हैं. और उत्सव जी का अनुभव जहां तक यहां ऑस्ट्रेलिया में है, एक डोमेस्टिक स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों के माध्यम से रहा है. आज के हम इस इंटरव्यू में उत्सव जी के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ बातचीत करेंगे ओवरसीज स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में किन अनुभवों और किन संघर्षों से गुजरते हैं, और साथ ही साथ आज का जो कठिन समय है कोरोना वायरस के दौरान ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और या ओवरसीज स्टूडेंट्स किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं. उत्सव जी, आपका रेडियो मनपसंद पर आपका स्वागत है. थैंक यू किशोर जी, थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो आपका नाम बहुत अच्छा है, उत्सव. इसमें काफी खुशी और फेस्टिवल मौज मस्ती होती है, तो क्या आप मौज मस्ती वाले व्यक्तित्व वाले गंभीर या संजीदा हैं? ये सवाल मुझसे काफी लोगों ने पूछा भी है. मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा मेरा व्यक्तित्व उत्सव से नाम से इतना रिलेट नहीं कर पाता है, बट ये बेसिकली मेरा नाम रखा गया था, मेरे नाना ने रखा था. उनका नाम डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता, वो साहित्यकार थे अपने टाइम पे, एंड मैं फैमिली में सबसे पहला फर्स्ट बॉर्न था. तो जब मैं पैदा हुआ था तो उनको लगा था कि ये आया है तो एक तरह से हमारे यहाँ फेस्टिवल हुआ है, एक उत्सव हुआ है परिवार में, तो उन्होंने मेरा नाम रखा गया था. तो वहां से है, और मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि लोगों की जिंदगी में भी थोड़ा खुशी और उत्सव का माहौल रखा जाए. चलिए, आज के कार्यक्रम में उम्मीद है कि आप, हालांकि हम थोड़े संजीदा विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपका उत्सव देखने को मिलेगा. आपके ऑस्ट्रेलियन मित्र उत्सव नाम प्रोनाउंस कर पाते हैं, या ऑस्ट्रेलियन लोग जो हैं जिस तरह से उसको शॉर्ट कर देते हैं, कुछ शॉर्ट कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया में मुझे अपने नाम के बहुत अलग अलग वर्जन सुनाई देते हैं, तो लोग लिखने में और बात करने में कोई उत्सव बोल पाता है, कोई उत्सव बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, तो काफी मिस्टेक्स होती हैं. और मुझे अपना नाम शॉर्ट करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, तो वैसे ही छोटा सा नाम है, 5 लेटर ही हैं उसमें, बट कोशिश यही रहती है कि काफी लोग पूछते भी हैं ऑस्ट्रेलियंस की कैसे नाम प्रोनाउंस किया जाता है, तो उसके बाद हो जाता है ठीक. आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी बैकग्राउंड, आपने अभी बताया कि आपके पिताजी साहित्यकार थे, मैं भी थोड़ा बहुत लिखता लिखाता हूँ, तो ये तो जानकर बड़ी खुशी की हुई. और आप, मेरे नाना थे एक्चुअली साहित्यकार. अच्छा, अच्छा, धर्मेंद्र गुप्ता. हाँ जी. अच्छा. बाकी मेरे मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे माता पिता दोनों दिल्ली से हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, और दोनों गवर्नमेंट सर्विस करते हैं. मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और मदर स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं. और मैं भी दिल्ली में ही पैदा हुआ था और वहीं पे पला बड़ा, मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई. उसके बाद मैं अपनी इंजीनियरिंग करी नोएडा से, तो उस टाइम पे भी मैं दिल्ली में ही रहा था. एंड आफ्टर दैट मैं बैंगलोर मूव हुआ जॉब के लिए, एक आईटी जॉब के लिए मैं मूव किया था, और वहां पे मैं काफी 4-5 साल रहा. बीच में ट्रैवल भी किया मैं 2-3 बार काम से, डेनमार्क, यूके, काफी ट्रैवल करता रहता था. और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया अपना मास्टर्स प्रोग्राम करने के लिए, तो मेरा इंटरेस्ट था काफी ज्यादा उस टाइम पे सोशल साइंसेज और एंथ्रोपोलॉजी की तरफ. सॉरी, सो मैंने काफी रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद मुझे पता लगा कि एएनयू जो है वो उस टाइम पे वर्ल्ड में
सेवेंथ बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है एंथ्रोपोलॉजी के लिए, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया एंड आई वाज वेरी लकी दैट आई गॉट एडमिशन हियर। तो किस साल आए थे आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे 2018 में आया था, 2018 मिड जुलाई में मैं एंटर किया था। तो सोच के आया था कि ऑस्ट्रेलिया काफी बीच और कोस्टल एरिया वाला अच्छी जगह होगी, एंड जुलाई में जब मैं आया तो सीधा इट वाज -2 degrees जब मैं लैंड किया था, मुझे काफी ज्यादा शॉक हुआ था। बट हाँ, 2018 जुलाई में। आपको बीचेस वगैरह का शौक है, लेकिन कैनबरा, कैनबरा बीच भी है, स्नोई माउंटेन, दोनों के ज्यादा दूर नहीं है यहाँ पर जा सकते हैं। और फिर आपने, पहली बात तो ये कि आप ने बताया कि आप वहाँ पर काम कर रहे थे और सडनली आपको, आपने तय किया कि आप फिर से स्टडीज करेंगे, तो एकदम ये चेंज क्यों किया आपने? ये मेरा डिसीजन सडन तो नहीं था एक्चुअली। जब मैं काम कर रहा था तो मैं काम करते सोचता रहता था कि आगे क्या किया जाए, आगे के लिए अपना करियर को आगे कैसे प्रोग्रेस किया जाए। तो मैं देखता रहता था कि क्या मुझे और पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसी काम में मुझे कि अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए। तो मैं अपनी फील्ड भी चेंज करी थी मैंने बीच में, और फिर उसके बाद मैं रिसर्च करता रहता था। तो रिसर्च करते करते मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काफ़ी मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए, सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में भी किया। और ये सब करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है और उसमें मैं अपनी नॉलेज और बढ़ाना चाहता हूँ। और ये एक एक तरह से एक एक पर्सपेक्टिव होता है दुनिया को देखने का, सब चीज़ों को देखने का, जिससे मैं काफ़ी रिलेट करता था। तो जब मैंने इसके बारे में और पढ़ा तो मुझे उस टाइम पे लगा कि ये मुझे करना चाहिए, एंड इसीलिए मैंने अप्लाई किया। सो थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताइए। आपको मालूम है कि जहाँ तक हम हमारी भारतीय जो परंपराएं हैं, या तो आईटी करिए या इंजीनियरिंग करिए या मेडिसिन कीजिए, एंथ्रोपोलॉजी तो काफ़ी अनयूजुअल होता है। पहले तो उस सब्जेक्ट के बारे में बताइए, और आपका, आपने बताया कि आपको किस तरह से इंटरेस्ट हुआ, वो तो अच्छी बात है। हाँ जी, तो एंथ्रोपोलॉजी बाय डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज सिंपली स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। तो लोगों की स्टडी होती है, इंसानों की, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्रोचेस होती हैं। जो मेरे, मेरा इंटरेस्ट एरिया है दैट इज टुवर्ड्स सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो उसमें लोगों का, जैसे लोग सोशल बींग्स होते हैं, आपस में ग्रुप्स में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, और उनके बहुत सारे जो उनका बिहेवियर होता है वो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। तो बेसिकली उस बिहेवियर पे कल्चर्स का, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, उनकी फैमिली, इन सब चीज़ों से किस तरीके से उनके बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है, और वो आज की दुनिया में कैसे रहते हैं, पहले कैसे रहते थे, आज की दुनिया में कैसे रहते हैं, ये उनका बिहेवियर कैसे जा रहा है। और साथ साथ वो जैसे कहीं जॉब करते, जैसे आपने बोला कि इंडिया में कल्चर है कि बहुत ज़्यादा लोग आईटी में या बहुत ही सेट फील्ड्स में जाना चाहते हैं, तो वो भी एक तरह से कल्चर है, और उससे लोगों का लाइफ कैसे डेवलप होती है, ये एक तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में आती है। इसमें ये बहुत वास्ट स्टडी है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि इंडिजिनस जो लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी स्टडी होती है, उनके लाइफस्टाइल पे काफ़ी, उनके कल्चर्स, रिलीजन, जेंडर वहाँ पे कैसे होते हैं, फैमिली कैसे डेवलप होती है, इन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी स्टडी की जाती है। तो बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर काफ़ी सारे तरीकों से देखा जाता है, और मेरा इंटरेस्ट सोशल कल्चरल साइड पे। अच्छा, अब आप पढ़ तो रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ आप पार्सा या जो प्रेसिडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टूडेंट्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, और इससे पहले आपने करियर ऑफिसर का भी रोल किया है एएनयू में। इस रोल्स में किस तरह से आप आए? हाँ जी, सो जब मैं एएनयू आया तो मेरा काफी मन था कि मैं अपना एक दूसरे कंट्री में पढ़ने आया हूँ मास्टर्स, तो मैं चाहता था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी इन्वॉल्व होके देखूं कि कैसा होता है। और जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स होते थे और बहुत सारे एक्टिविटीज चलती रहती थी बहुत सारे क्लब्स की, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी मोर इन्वॉल्व एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। एक तरह से नए दोस्त, नए लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, तो वो भी एक मेरा रीज़न था। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू करा चीज़ों में, एंड देन मुझे और पता लगा तो मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ, एंड देन
पारसा में बेसिकली शुरू में मैं एक कॉलेज ऑफिसर की तरह से रोल पे था, जिसमें मैं अपने कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज को रिप्रेजेंट करता था। फिर मैं जब वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन वेकेंट हुई तो मैं उसके लिए मैंने अप्लाई किया, तो फिर वो किया। एंड देन उसके बाद मैं डिसाइड किया कि मैं इलेक्शंस में आई डिसाइडेड टू रन फॉर द प्रेसिडेंट रोल, जो कि काफी काफी बड़ा रोल और काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल था और है अभी भी। तो हमारा काम जो होता है मेजरली इट इज टू रिप्रेजेंट ऑल द मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स एट ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, उनका जितना भी वेलबींग और एजुकेशन के रिलेटेड जितना जो भी चल रहा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ देयर एक्सपीरियंसेस आर। एंड अगर कोई भी इशू होता है तो हम उसके लिए एडवोकेट करते हैं यूनिवर्सिटी के साथ। तो हम यूनिवर्सिटी में हर लेवल पे जो मीटिंग्स होती हैं हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, हम एज अ पार्टनर वहाँ पे होते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बात करते हैं। एक वो काम है, फिर हमारा एक और काम है जिसमें हम लोग काफी इवेंट्स करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी बहुत सारे बाहर से आते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी बाहर से आते हैं, तो उनके साथ एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए हम काफी सारे इवेंट्स करते हैं साल में, तो वो भी एक काम है। फिर हम लोग काफी सपोर्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को थ्रू एक सर्विस जिसका नाम है स्टूडेंट असिस्टेंस। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी हो रही है, मान लीजिए अपने पढ़ाई से रिलेटेड या अपने अपने घर से रिलेटेड, या उसको कोई लॉयर की एडवाइस चाहिए, तो हमारी एक टीम है जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें जो कि एडवाइस करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि कैसे उन दिक्कतों को मैनेज किया जाए, और अगर यूनिवर्सिटी में किसी से बात करनी है तो वो उनसे बात करने के लिए एक मीडियम सेटअप करते हैं। तो ये काफी ये तीन हमारे मेन काम है जो हम पार्सा में करते हैं। और मैं बेसिकली एक प्रेसिडेंट के रोल में हूँ, तो मैं काफी सारी चीजें ओवरसी करता हूँ, मैं एडवाइस करता हूँ, और यूनिवर्सिटी में काफी मीटिंग्स में मैं इन्वॉल्व होता हूँ, जिसमें काफी हाई लेवल डिसीजंस लिए जाते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स की नीड्स को मद्देनजर रख के लिए जा रहे हैं। तो ये तो मेरा पार्सा का काम है। और करियर ऑफिसर मैं एक रोल था जो कि मैं 2019 में कर रहा था, आई वॉज वर्किंग फॉर यूनिवर्सिटी। सो एक तरह से ये एडवाइजरी रोल था जिसमें मैं स्टूडेंट्स के साथ अपॉइंटमेंट लेता था और उनको एडवाइस करता था कि आगे जाकर करियर प्रोग्रेशन के लिए उनको कैसे कैसे अपने स्किल्स डेवलप करने चाहिए, अगर किसी का इंटरव्यू आ रहा है तो उसको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किसी को अपने रेज्यूमे बनाना है, सीवी बनाना है तो वो कैसे बनाना है, और मैं वर्कशॉप्स भी लेता था इन चीज़ों में। तो पहले जो मेरा बैंगलोर में एक्सपीरियंस था उसमें मेरा शुरुआत में आईटी था, और बाद में मैं एक एचआर के रोल में था, तो मेरा एचआर और रिक्रूटमेंट में काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 2-3 साल इंडिया और यूके में भी रहा है 1 साल, तो वो मेरा सारा एक्सपीरियंस मैंने यूटिलाइज किया और उसके उसके बेसिस पे मैं वो काम करता था। तो आप लगता है कि काफी जिम्मेवारी के रोल्स आप निभा रहे हैं और साथ ही साथ मास्टर्स की स्टडीज भी कर रहे हैं, किस तरह से आप जगल करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को? ये आपने काफी अच्छा सवाल किया। जगल करना बहुत मुश्किल है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कि कैसे सब कुछ मैनेज किया जाए, पढ़ाई है, क्योंकि एक जो मेन पर्पस जिसके लिए आया हूँ मैं वो तो पढ़ाई है जी, पढ़ाई करने आया हूँ। बट लकीली 2019 में मैंने यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया था, आई गॉट इट इन 2019 मिड के आसपास। आई अप्लाइड इन 2018 एंड 2018-19 के मिड में मुझे मिल गई, जिसकी वजह से मुझे डोमेस्टिक स्टूडेंट का स्टेटस मिला, तो उससे मुझे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, बिकॉज मैं फुल टाइम स्टूडेंट से पार्ट टाइम स्टूडेंट में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने अपने कोर्सेज थोड़े कम कर लिए ताकि मैं सब चीजें साथ में बैलेंस कर पाऊँ। तो आपका इरादा ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने का है, करियर एम्बिशंस? वेल, ये अभी पूरा तो मैंने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पढ़ाई के बाद मुझे कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पे, बट परमानेंट पीआर मिलने से डेफिनेटली काफी हेल्प हो जाती है, काफी इजी हो जाता है जॉब्स लेना, सो मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद देखते हैं। चलिए उत्सव, फिर आपसे बातचीत करते रहेंगे, मैं अभी थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, आपका एक फेवरेट गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत करते हैं।
क्या ढूंढता है मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, रास्ते ही रास्ते हैं, कैसा है ये सफर, ढूंढती है को नजरें, जाने है वो किधर, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी, लकी अली की आवाज में। और जैसा कि मैंने बताया, ये उत्सव गुप्ता की पसंद का एक गीत था। आइए सुनते हैं उत्सव गुप्ता के बातचीत का दूसरा अंश, और इसमें हम उनसे बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर जो कोविड 19 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभी आपने बताया कि पार्सा प्रेसिडेंट होने के नाते आपके ऊपर एक जिम्मेवारी ये भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्याओं का उनकी सहायता करें, और मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही एक कठिन समय में आप प्रेसिडेंट हैं। अभी पिछले दिनों जो कोरोना वायरस का संकट आया है उससे सबसे अधिक प्रभावित स्टूडेंट्स हुए हैं, और विशेष करके ओवरसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हुए हैं। किस तरह से ओवरसीज स्टूडेंट्स इन इस कठिन समय के दौरान किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं? हाँ जी, सो ओवरसीज स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। आई थिंक इसका मेजर रीजन दो है। एक तो ये है कि जब पैंडेमिक का ये आया और लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस टाइम पे सारी जो हमारी एजुकेशन और जो यूनिवर्सिटी में एक्टिविटीज है सारी ऑनलाइन हो गई। इससे ये हुआ कि सारे स्टूडेंट्स वर बेसिकली फोर्स टू स्टे एट देयर होम ओवरनाइट। हाँ जी, तो वो इजी नहीं होता है एक ही, बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, वो यूजुअली यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में या बाहर अकोमोडेशन में एक रूम में रहते हैं, और जब लॉकडाउन आया तो बेसिकली उसकी वजह से उनको सारा टाइम अपने रूम में रहना पड़ा। उनकी क्लासेस भी सब रूम से ही हुई, ऑनलाइन होती थी, और सारा फिजिकल इंटरेक्शन खत्म हो गया, जो कि आपके मेंटल हेल्थ पे काफी अफेक्ट करता है।
जब आप बाहर नहीं निकल पाते हो, आप लोगों से नहीं मिल पाते हो, फर्स्टली. सेकेंडली, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा करके आते हैं और अपनी उनकी ट्यूशन फीस भी बहुत हाई होती है. तो वो इतनी हाई ट्यूशन फीस दे के जब कोई इंसान ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा होता है तो वो भी वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है. तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच अफेक्टेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अ लॉट. और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इशू हुआ वो ये हुआ कि बहुत स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई. तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूजुअली पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब करते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं किसी फूड इंडस्ट्री में या फिर किसी रिटेल शॉप में. और लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम लोगों की जॉब्स चली गई, तो उससे उन पे काफ़ी प्रेशर आया इमीडिएटली, क्योंकि एकदम से इनकम बंद हो गई जिससे वो अपना रेंट देते थे या अपने ग्रोसरीज का पैसा देते थे. और काफ़ी लोगों को दिक्कत ऐसे भी आई कि उनके घर में भी, उनके होम टाउन में, मान लीजिए इंडिया में जो भी काम चल रहा था, उनकी फैमिलीज में भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आई, तो वो लोग भी पैसा नहीं भेज पा रहे थे. तो ये फाइनेंशियली बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशर आया इस टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. एंड आई थिंक ये मेजर प्रॉब्लम्स रही है. तो किस तरह से आपने उनको हेल्प करने की कोशिश की है? तो हमने बेसिकली दो तरीके से हेल्प करी है. एक बेसिकली जो सबसे बड़ा इशू आया है फाइनेंशियल डिफिकल्टी का, उस पर हमने काफी काम किया स्टूडेंट्स के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत करी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स. और अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट सोल्यूशन निकाला, बट जितना भी सपोर्ट हुआ वो डोमेस्टिक के लिए था, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं था. तो ये बेसिकली सारा की सारी जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी और हम लोगों पे आ गई. सो हमने बात करी और यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि उन्होंने $1 मिलियन उन्होंने एलोकेट किया स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए. तो उन्होंने उसका आधा अमाउंट, हाफ अ मिलियन, हमें पार्सा को दिया और हाफ अ मिलियन ऐसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को दिया, जो कि हम ग्रांट्स के तरीके से स्टूडेंट्स को इस टाइम पे दे रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से. तो हमने ग्रांट्स का सिस्टम सेटअप किया जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, वो अपनी नीड के बारे में काफी डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी मान लीजिए जॉब चली गई है या उनका इतना रेंट है उनके, और काफी सारे स्टूडेंट जो अपनी फैमिली के साथ आए हैं वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स बताते हैं और फाइनेंशियल नीड बताते हैं. तो हम उनकी ग्रांट्स को असेस करके उनको हम अप्रूव करते हैं और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं. उसके अलावा हम लोग यूनिवर्सिटी से काफी बातचीत कर रहे हैं कि वो भी ये बात समझें कि स्टूडेंट्स को इस टाइम पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, इट इज नॉट लाइक अ नॉर्मल सर्कमस्टांस. तो बच्चे भी जो हैं स्टूडेंट्स अपने नॉर्मल तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो भी कंसिडरेशन की जाए और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए स्टूडेंट्स को इन टर्म्स ऑफ देयर पढ़ाई या एग्जाम्स और उनके बाकी असाइनमेंट्स के लिए. तो काफी यूनिवर्सिटी में भी हम लोग हर हफ्ते डिस्कशन करते थे कि कैसे हाउ टू मेक द स्टडीज मोर एंड मोर एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल फॉर स्टूडेंट्स. अच्छा, तो आपने बताया कि ऑस्ट्रेलियन सरकार की ओर से कोई ज्यादा सहायता नहीं मिली, हालांकि एक तरह का स्टेटमेंट आया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन गो बैक इफ दे वांट टू. उसके बारे में कैसा रिएक्शन रहा? और आपने दूसरी बात कही डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए जो सपोर्ट थी, मान लीजिए कि अगर डोमेस्टिक स्टूडेंट एक शिफ्ट भी कर रहा है या दो शिफ्ट भी कर रहा है, जॉब कीपर में $1,500 मिलने शुरू हो गए, जहां की पहले मे बी दे मस्ट बी अर्निंग अराउंड $200, सडनली उनको $1,500 मिलने लगे, और दूसरी ओर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कुछ नहीं मिल रहा था, तो कैसा महसूस हुआ? तो जब ये पैंडेमिक लॉकडाउन शुरू हुआ उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट सिस्टम बनाया, जो जॉब कीपर, जॉब सीकर, यूथ अलाउंस, ये सिस्टम पहले से ही था, बट उन्होंने इन सब सिस्टम्स के अंदर थोड़ा सा उन्होंने एडिशनल सपोर्ट दिया, फंडिंग बढ़ाई, और डोमेस्टिक्स को उस वजह से काफी हेल्प मिली. दूसरी जगह डोमेस्टिक्स को ऑल्सो थोड़ा सा हेल्प मिली बिकॉज यूनिवर्सिटीज ने बोला कि अगर वो लोग घर जाना चाहते तो वो जा सकते हैं और घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनके लिए फ्लाइट्स अरेंज हुई और वो सब हुआ. बट ये सब फैसिलिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं थी. सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी फैमिली के बिना रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, फाइनेंशियली इतना प्रेशर आ रहा है, और उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कुछ आए, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में
education is third or fourth largest contributed economy. So unko wapis bahut assist karta hai in terms of growth of the country, the whole nation. So sab log expect kar rahe the ki kuch na kuch support aayega. But jab statement aayi ki international students ke liye ki wo khud ko support kare aur agar unko wapis jana hai to chale jaye, to us time pe bahut hi lonely feel hua, bahut hi zyada aisa feel hua लोगों की, उनके पास कहीं जाने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज वो घर नहीं जा सकते हैं जी, सब लोगों के ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो लोग घर नहीं जा सकते। घर जा सकते हैं तो या तो टिकट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, या फिर घर जाके उनको गवर्नमेंट कैंप्स में, फैसिलिटीज में, क्वारंटीन में रहना पड़ता, जो कि आसान नहीं था। तो देवर ऑल डिपेंडेंट ऑन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, एंड उनको जब कुछ सहायता नहीं मिली, सो दे फेल्ट कि हमारे लिए कुछ नहीं है, एंड स्टूडेंट्स वर वेरी स्केयर्ड। उस टाइम पे मेरी रोज बातचीत होती थी बहुत स्टूडेंट्स से जो कि बहुत परेशान थे, काफी लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हुए इस टाइम पे, एंड डेफिनेटली इट वाज वेरी वेरी बिग इंपैक्ट जी। तो दूसरी ओर से इंडियन गवर्नमेंट के, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ सपोर्ट थी कि नहीं? इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी काफी लिमिटेड रहा है मेरे ओपिनियन में, और ये मेजरली इसलिए आई थिंक हो सकता है इसलिए हो क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स की नंबर जो है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, तो सपोर्ट और बहुत वेरिड एरिया में लोग हैं, जैसे पर्थ और डार्विन और एडिलेड बहुत दूर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग सिडनी, मेलबर्न, कैनबेरा में है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती थी। बट सपोर्ट लिमिटेड रहा बिकॉज आई थिंक काफी स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ या तो फाइनेंशियली हेल्प की जाए उनको, या फिर कुछ इवैक्यूएशन का कोई एक मेथड, कोई प्रोसेस आए जिसकी वजह से उनको घर पहुंचाना है, ये अपने घर पहुंच पाए वो लोग, बट ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो इस समय क्या स्थिति है, ये ओवरसीज स्टूडेंट्स यहीं पर ही हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, और उनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? वापस तो जाना मुश्किल लगता है, फ्लाइट्स वगैरह बंद हैं। सो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मैक्सिमम अभी यहीं पर ही हैं, काफी ज्यादा मैं बोलूँ एक तरह से फंसे हुए हैं सिचुएशंस में, और कुछ कुछ फ्लाइट्स ओपन हुई हैं, स्पेशली मैं इंडिया के बारे में तो बोल सकता हूँ कि कुछ फ्लाइट्स ओपन हुई हैं, बट फ्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। मैं सुनने में आ रहा था मेरे एक दोस्त को वन वे फ्लाइट $1,300 की मिली है, जिसमें यूजली नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में रिटर्न हो जाता है टू एंड फ्रो, तो और उसके बाद जब वो लोग वापस जाएंगे तो वापस जाके उनको गवर्नमेंट के किसी एक होटल में रहना पड़ेगा, तो होटल का दो हफ्ते का क्वारंटीन का एक्सपेंसेस भी उनको खुद से उठाने पड़ेंगे, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ईजी। एंड देन उसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी है कि इस टाइम पे इंडिया की खुद की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, तो स्टूडेंट्स के अंदर एक डर बैठा हुआ है कि अगर वो वापस जाएंगे तो वो इंडिया से फिर वापस कब आ पाएंगे, आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज मच बेटर राइट नाउ। सो वो एक सिचुएशन है, काफी मुश्किल समस्या है। आपको कोई और सोर्सेज से सपोर्ट मिली है ओवरसीज स्टूडेंट्स को, जैसे कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन? सो मुझे मालूम है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन कोशिश कर रही थी कि ओवरसीज इंडियन स्टूडेंट्स को खाना और ग्रॉसरी वगैरह दें, इस तरह की और भी सपोर्ट मिली ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी से? हाँ जी, सो इंडियन कम्युनिटी को इस टाइम पे काफी सपोर्ट मिला है, जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट की तरफ से जब स्टेटमेंट आई कि ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, तो आई थिंक जो ये एसोसिएशंस और ग्रुप्स हैं, इन्होंने दे स्टूड अप एंड दे डिसाइडेड कि वो लोग खुद से हेल्प करेंगे। सो जैसे मुझे पता है कि एक फिनैक करके ऑर्गेनाइजेशन है कैनबेरा में, फेडरेशन ऑफ इंडियन इन एसीटी, उनकी तरफ से ग्रोसरीज डिस्ट्रीब्यूशन हुई, और एक टर्बन फॉर ऑस्ट्रेलिया करके है एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिडनी और कैनबेरा में, उन्होंने काफी मील्स डिस्ट्रीब्यूट किए, और एएनयू में स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट एसोसिएशन है इंसा, विच इज इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसका प्रेसिडेंट है शाहनवाज मिर्जा, वो काफी कॉन्टेक्ट में रहे हैं फिनैक से और टर्बन फॉर ऑस्ट्रेलिया से और ऑल्सो इंडियन हाई कमीशन से और काफी सारे अदर एसोसिएशन थे जहां से वो प्रोक्योर करते थे ग्रोसरीज, मील्स, और फिर हमारे यहाँ बाकी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो डेफिनेटली इन लोगों की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट हमें मिला है।
तो काफी कठिन समय है, लेकिन आशा करते हैं कि थोड़ी स्थिति अब थोड़ी सी बेहतर हो रही है, तो उम्मीद की जा सकती है। तो अब कैफेज रेस्टोरेंट्स वगैरह खुल रहे हैं, तो शायद स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कैजुअल जॉब्स वगैरह भी मिलना शुरू हों, थोड़ी सी स्थिति बेहतर होगी। चलिए अब एक फिर एक ब्रेक लेते हैं, आपका पसंद का एक गीत सुनते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की समस्याओं के बारे में। अब न मुझको याद भी था, मैं तो लम्हों में जीता चला जा रहा हूँ, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ हूँ इस यकीन से मैं यहाँ हूँ कि जमाना ये भला है और जो राह में मिला है, थोड़ी दूर जो चला है वो भी आदमी भला था, पता था जरा बस खफा था, वो घंट का जरा ही मेरे गांव का ही, वो रास्ता पुराना जिसे याद आना जरूरी था, लेकिन जो रोया मेरे बिन वो एक मेरा घर था, पुराना सा डर था, मगर अब ना मैं अपने घर का रहा, सफर का ही था मैं सफर का रहा। यह आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर, और आपने जो गीत सुना वो था जब हैरी मेट सेजल, और ये भी उत्सव की पसंद का एक गीत था। आइए एक और अब इस का एक तीसरा भाग और अंतिम भाग सुनते हैं, जिसमें उत्सव बता रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की समस्याओं के बारे में। उत्सव, पहले तो ये जानना चाहूंगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया को क्यों एक डेस्टिनेशन चूज करते हैं स्टडीज के लिए, जबकि दूसरे भी मार्केट्स अवेलेबल हैं जैसे यूएस, यूके, कनाडा? आई थिंक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में काफी प्रेफर करने लग गए हैं पिछले कुछ सालों में, जो मैंने देखा है पिछले 5-6 सालों से स्टडी करने के लिए। उसके 2-3 रीजन है। वन बिग रीजन इज बिकॉज की पोस्ट स्टडी यहाँ पे एज पर द वीजा लॉज दे गेट अराउंड 2 years ऑफ टाइम टू फाइंड अ जॉब, एज कम्पेयर टू यूएस एंड यूके
वो अभी तो यूके के रूल्स चेंज हुए हैं, बट उससे पहले तक यूएस और यूके में पोस्ट स्टडी वीजा के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट थे. लोगों को मैक्सिमम 6 months या 1 year का टाइम ही मिलता था, मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्रीज ऑब्वियसली. बट ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा ये सेफ्टी था, बिकॉज आप जब पढ़ाई खत्म करते हैं और अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है तो थोड़ा टाइम लग सकता है जॉब ढूंढने में. हो सकता है आपको सिटी चेंज करना पड़े या इंटरव्यू देते, यू नो, यू लर्न एज वेल. इट टेक्स टाइम. आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस. और दूसरा रीजन आई थिंक ये भी है कि यूके और यूएस के कंपैरिजन में ट्यूशन फीस ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी कम है. अच्छा. थोड़ा सा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, बट ओवरऑल जो देखा जाए, मैंने भी जब कंपैरिजन किया था तो यूएस से डेफिनेटली ट्यूशन फीस काफी कम होती है. और जब आपको लगता है कि आप फीस कम दे रहे हैं और उसके बाद आपको टाइम ज्यादा मिलेगा यू नो जॉब ढूंढने में, तो दैट डेफिनेटली प्रोवाइड्स अ बिट ऑफ अ कुशन, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. बाकी ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री भी काफी ग्रो कर रहा है, तो काफी लोग ऑस्ट्रेलिया का पार्ट बनना चाहते हैं. दे पीपल जो लोग स्पेशली जो इंडियंस जो चाहते हैं कि आगे जाकर माइग्रेशन करें और सेटल हुए बाहर जाकर, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छी डेस्टिनेशन भी रहती है. तो इस डिसीजन में आपने जैसे बताया, लगता है कि परमानेंट रेजिडेंसी एक बड़ा काफी अट्रैक्शन है. एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी इसमें कोई रोल प्ले करते हैं कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली. तो ऑस्ट्रेलिया का जो परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोसेस है, जो उनके जो मेन वीजा टाइप है 189 और 190, वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसमें आपको अलग अलग चीजों के पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको एज के पॉइंट्स मिलते हैं, आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के पॉइंट्स मिलते हैं, वैसे ही एजुकेशन के भी पॉइंट्स मिलते हैं. और अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से एजुकेशन लेता है तो उसको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके बाद अगर वो 2 साल और रहता है तो उसको रहने के और यहाँ पे अगर काम करता है वो रेलिवेंट फील्ड में, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि वो और पॉइंट्स इकट्ठे कर सके. तो यहाँ पे पढ़ाई करने और उसके बाद जॉब करने से उनके पीआर परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं. अच्छा. आई थिंक यहाँ पर ट्यूशन फीस काफी हाई है और परमानेंट रेजिडेंसी का एक अट्रैक्शन है, और ये तो मानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में एजिंग पॉपुलेशन की वजह से स्किल शॉर्टेज और वर्किंग एज पीपल की कमी है, तो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को भी माइग्रेशन चाहिए. कुछ समय पहले यूसी के वाइस चांसलर दीप सैनी के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक तरह, और मैं भी उनसे सहमत हूँ, कि एक तरह का नियो कॉलोनियलिज्म चल रहा है जिसमें आप ओवरसीज स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उनसे हाई ट्यूशन फीस चार्ज करते हैं और एक तरह से आप अपनी एक इंडस्ट्री चलाते हैं, और उसके बाद उन्हीं को आप परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं और अपनी स्किल शॉर्टेज पूरी करते हैं. इसके बारे में आपका क्या विचार है? आई थिंक मैं बिल्कुल सहमत हूँ स्टेटमेंट से. हमारे जो ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, डेफिनेटली वो ब्रिटिशर्स के जमाने से, पुराने जमाने से वहीं से डेवलप हुए हैं. सो इट इज वेरी वेरी मच अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म, जिसमें जिस तरीके से ये लोग चाहते हैं पढ़ाई को करिकुलम डिजाइन करके, उस तरह से डिजाइन होता है. फिर वो एक तरह से इंग्लिश या वाइट एजुकेशन मिलती है सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ताकि उनका पर्सपेक्टिव अबाउट द होल वर्ल्ड वैसा सा बने जैसा कि इन नेशंस का है, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया का है. और फिर उसके बाद इट बिकम्स एक तरह से ये फाइंडिंग और हंटिंग वाली प्रोसेस में चले जाते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि जिसके पास बहुत अच्छे स्किल्स हैं वो रह सकता है, वो अप्लाई कर सकता है पीआर, एंड वो रह के दे विल कंट्रीब्यूट बैक टू द इकोनॉमी. और जो कैपेबल नहीं लगता है उनको अपने स्टैंडर्ड से, दे सिंपली आस्क देम टू गो बैक. सो दैट इज द ट्रूथ, रियलिटी. खैर, जब आप ये ओवरसीज स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, जैसा कि आपने कहा कि काफी हाई ट्यूशन फीस है और माना जाता है, कहीं भ्रम होता है कि ओवरसीज स्टूडेंट्स जो आते हैं यहाँ पर वो रिच फैमिलीज के साथ आते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं परे की बात है. और जब ओवरसीज स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो उनको अपने सपोर्ट करना होता है, जॉब ढूंढना पड़ता है, रहने का खर्चा देना पड़ता है.
ये आसान काम नहीं होता, किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ओवरसीज स्टूडेंट्स को? मेरे एक्सपीरियंस में जब मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया, सो फर्स्ट सबसे पहली चीज आपको नोटिस होती है वो दैट इज अ चेंज इन करेंसी. सो बेसिकली जो चीजें पे आप बहुत बेसिक अमाउंट स्पेंड करते हैं इंडिया में, उसी में यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट मोर व्हेन यू कम टू अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके. एंड आई थिंक दैट इटसेल्फ क्रिएट्स अ बिट लॉट ऑफ प्रेशर. सो आई थिंक काफी फैमिलीज, ये बात पूरी तरीके सच नहीं है कि जितने भी लोग पढ़ाई करने आते हैं वो सब बहुत वेल ऑफ फैमिली से होते हैं, उसमें भी काफी वेरिएबल होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो कि पूरा का पूरा अपना टाइम पढ़ाई का, ट्यूशन फीस, रहना खाना पीना अपने सेविंग्स या अपने घर वालों के प्रोवाइडेड सपोर्ट से मैनेज कर लेते हैं. बट देन देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम ओवर एंड दे रियलाइज कि अगर उनको यहाँ पे बेसिक डिसेंट लाइफ जीनी है ड्यूरिंग देयर एजुकेशन, सो दे विल नीड टू अर्न समथिंग एल्स. एंड ऑल्सो एक तरह से प्रेशर आ जाता है, मेंटल प्रेशर भी आता है कि अगर आप आए हैं और आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, अगर आप रेंट का खर्चा तो आप अपने घर वालों से ले लेते हैं, बट उसके बाद अगर आपको बाहर जाना है, मान लीजिए वीकेंड पे आपको दोस्त के साथ खाना पीना है, तो वो पैसा जो है वो आप घर वालों से मांगते हैं, तो उसमें भी देयर इज अ हेजिटेशन यूजुअली. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स इन ऑर्डर टू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ ऑल्सो आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील कि उनको काम करना चाहिए, वो काम करते हैं. एंड then that creates more pressure because जब वो time जो उनको पढ़ाई पे निकालना चाहिए उसमें से काफी सारा time उनका काम पे निकल जाता है, तो फिर पढ़ाई पे भी pressure आता है और family तो होती नहीं है support के लिए. So there are the पूरा environment जो बन जाता है एक international student के लिए वो काफी pressurized होता है और बहुत responsible, बहुत सारी expectations होती हैं उनसे. So it is definitely very hard. तो आपने बताया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स काम करते हैं और इसमें तो खैर ये तो काफ़ी पब्लिसाइज भी हुआ है कि काफ़ी रिप ऑफ्स भी होते हैं स्टूडेंट्स को, जिस तरह से एक्सप्लॉयट किया जाता है इन कामकाज के मामले में, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके आपने किस तरह के एक्सपीरियंसेस देखे हैं और क्या होता है वहाँ पर? हाँ जी. सो आई थिंक ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस है और इस बारे में इस साल के शुरुआत में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंपेन भी किया था, वर्कर्स राइट्स कैंपेन करके, जिसमें हमने सर्वे लिया था और उसमें हमें ये रियलाइज हुआ कि मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो जॉब करते हैं जब उनको डिपेंडेंसी होती है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से जॉब करते हैं, उनको एक नीड होती है और उस नीड को काफी सारे एम्प्लॉयर्स और जो बिजनेस ओनर्स हैं वो समझते हैं और उसको एक्सप्लॉयट करते हैं एक तरीके से. तो काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनको जब वो काम लेने के लिए जाते हैं तो उनको एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है तो जो बिजनेस ओनर है वो किसी भी तरीके से उनको एक्सप्लॉयट कर सकता है. कई बार उनको वेजेस जो होती हैं वो ऑफिशियल वेजेस से कम वेजेस मिलती है, या उनको जो बेनिफिट्स होते हैं सैलरी के पार्ट में वो सब नहीं मिलते हैं. सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज्यादा कम होते हैं बहुत लोगों के बिकॉज दे आर नॉट ऑफिशियल एम्प्लॉयज. तो अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से चेक भी करने आता है तो वो उस चीज में फाइंड आउट नहीं हो सकता बिकॉज दे आर नॉट ऑफिशियल एम्प्लॉयज. बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अनसेफ एनवायरमेंट में भी काम करते हैं इस वजह से, बिकॉज जस्ट बिकॉज उनको एक नीड होती है तो उस वजह से उनको डिपेंडेंसी हो जाती है. बट इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. और ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में ही हो, ये भी वेल पब्लिसाइज्ड केसेस हैं कि बिग फ्रेंचाइजेस वहां पर भी इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं वो नॉर्मल हैं. हाँ डेफिनेटली आई थिंक ये सब छोटी बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है. कुछ कुछ बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी जो है वहां पे शायद आपका वेजेस में अगर कट नहीं होता है तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलता है वो काफी खराब मिलता है. काफी जगह ऐसा होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रेसिज्म भी से भी अफेक्ट होता है उनको बिकॉज दे फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वाइट पीपल और डोमेस्टिक पीपल. सो वो भी होता है.
तो इसका हल कैसे है, कुछ है इसका हल? आई मीन हालांकि ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है कि इसके लेबर लॉज जो हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जब इस तरह की जो है एक तरह की इंडस्ट्री चल रही है अंडर द कवर, उसको किस तरह से रोका जाए? I think ये बहुत ही जो पैंडेमिक में ये जिस तरीके से बबल बर्स्ट हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट का, इसको गवर्नमेंट को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि इससे सीखना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की क्या नीड होती है और उनको किस किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है. और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शुड नॉट बी सीन ओनली एज अ वे ऑफ अर्निंग मनी, एज अ कैश काउ. दे शुड ऑल्सो बी सीन एज ह्यूमंस, देयर नीड्स शुड बी एक्नॉलेज्ड. और बिजनेसेस एंड यूनिवर्सिटीज किस तरह से उनको ट्रीट करते हैं उसके बारे में भी उनको देखना चाहिए, गाइडलाइंस बनानी चाहिए, नहीं तो उनको डिपार्टमेंट सेटअप करने चाहिए जो कि इन सब चीज़ों में देखे, थोड़े लॉज थोड़े और स्ट्रिक्ट करने चाहिए. और एट द सेम टाइम आई थिंक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी जब वो किसी जब ऑस्ट्रेलिया में आता है तो उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कैसे नेविगेट करें. किस आधे से ज़्यादा लोगों को TFN के बारे में, टैक्सेस के बारे में, सुपर एनुएशन के बारे में नहीं पता होता है, तो उसके बारे में भी उनको नॉलेज मिलनी चाहिए. They should ensure कि जो भी इस कंट्री में आ रहा है, they should know about all these things. And they should, that's why, because it is not just a responsibility of the government or business owner, but also the responsibility of the student themselves कि वो लोग rules and laws follow करें. सबका जब एक साथ सब लोग इसको implement करेंगे तभी I think कि इस तरह की problems जो हैं वो solve हो पाएंगी. इसके अलावा एक दूसरी बड़ी समस्या जो आपने शायद स्वयं भी अनुभव की होगी वो है हाउसिंग की समस्या. यहाँ पर कैनबरा में तो रेंट काफ़ी हाई हैं और स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो अलग ही तरह की समस्या है, और ANU में इतना एकोमोडेशन है नहीं शायद. डेफिनेटली आई थिंक शायद पिछले साल न्यूज में आर्टिकल भी आया था कि कैनबरा का रेंटल मार्केट सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव है आई थिंक एज कम्पेयर टू अदर सिटीज. और इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा आता है बिकॉज हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशंस हैं, बट आई डोंट थिंक देर आर इनफ अकोमोडेशन फॉर everyone. एंड sometimes स्टूडेंट्स प्रेफर टू स्टे आउटसाइड बिकॉज जो अकोमोडेशन के रूल्स होते हैं वो सूट नहीं करते हैं, या कोई अगर फैमिली के साथ आता है तो उनके लिए वो सूटेबल नहीं होता है फैसिलिटीज. और जब वो बाहर जाते हैं तो उनको काफी दिक्कतें आती हैं बिकॉज फर्स्टली एक यहाँ पे रेंटल मार्केट के अंदर अकोमोडेशन लेना ही आसान नहीं होता है जो मैंने देखा है, बिकॉज देर आर सो मेनी रूल्स, लाइक पीपल नीड टू हैव रेंटल हिस्ट्री, या उनको एक सॉलिड इनकम का सोर्स प्रूफ करना पड़ता है, वो सब स्टूडेंट्स के पास नहीं होता है. तो पहले तो वो एक प्रॉब्लम आती है, फिर दूसरी बात जब वो अदर ऑप्शंस पे जाते हैं तो अगेन काफी सारे लैंडलॉर्ड्स उनको एक्सप्लॉइट करते हैं बिकॉज वो उनसे या तो उनको ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट के तहत नहीं रहते वो लोग, एंड उनको कैश में डील करते हैं. सो दे डोंट प्रोवाइड, दे आर नॉट लायबल टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज, तो उनकी घर में फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है, या फिर वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में होते हैं क्योंकि उनको कभी भी एविक्ट किया जा सकता है बिकॉज दे आर नॉट एन अग्रीमेंट. एंड अभी हम ACT गवर्नमेंट के साथ भी इसीलिए बातचीत कर रहे हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, ताकि वो लोग रूल्स थोड़े से और डेवलप करें इस तरीके से कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स इन जनरल को ये इतनी दिक्कतें ना हो. आपने अभी थोड़ी देर पहले रेसिज्म के बारे में थोड़ी सी बात की. कुछ समय पहले मेलबर्न में इंडियन स्टूडेंट्स के साथ काफी दुर्व्यवहार हो रहा था और रेसिज्म की भी बात हो रही थी. यहाँ पर आपका कैनबरा में कैसा अनुभव रहा है इंडियन स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन जनरल, क्या उनको इन रेसिज्म का काफी बड़ी का किस तरह की समस्या है, काफी बड़ी है कि होता है या? देखिए पर्सनली मैं अगर बोलूँ तो मुझे और या मेरे दोस्तों को ऐसा रेसिज्म की कोई घटना नहीं घटी उनके साथ. एंड वी माइट बी लकी और दिस माइट बी द सिचुएशन की आई थिंक कैनबरा में जो एनवायरमेंट है, माहौल है, वो काफ़ी अच्छा है इस मामले में. इंडियन स्टूडेंट्स इन जनरल मोस्ट प्लेसेस में दे हैव नॉट फेस्ड बिग रेसिज्म, बट आई थिंक एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी जगह है स्पेशली व्हेन दे गो आउट टू फाइंड जॉब्स जहाँ पे काफ़ी फेवरेटिज्म होता है रेसिस के बेसिस पे. जो मैंने सुना है कि डोमेस्टिक लोगों को बहुत ज़्यादा फेवर किया जाता है फॉर
हायर पोजीशंस, प्रमोशंस, और अगर किसी को आवर्स देने हैं तो उस टाइप की चीजों में. वो एक ऐसी जगह मुझे लगती है जहाँ पे अभी स्टिल एक अनसीन काइंड ऑफ रेसिज्म होता है. इट इज नॉट लाइक देयर इज अ बिग इंसिडेंट व्हिच कम्स आउट, बट कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है लाइफ को. उत्सव, लगता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हम घंटों बातचीत कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा है. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपके समय के लिए. आप हमारे साथ अपनी इन अपने जो विचार व्यक्त किए उनके लिए धन्यवाद, आपके समय के लिए धन्यवाद, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं. थैंक यू किशोर जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद. You're listening to the Radio Manpasand. आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एफएम 91.1 पर, और मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी. आशा है आपको उत्सव गुप्ता के साथ जो इंटरव्यू हुआ था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में पसंद आया होगा. और कई बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स को अपने चारों ओर, लेकिन अनदेखा कर देते हैं कि किन समस्याओं, किन संघर्षों से वो जूझ रहे हैं यहाँ पर अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने के लिए. उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा उत्सव जी के साथ बातचीत करने के बाद. और जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरह से
इस कोरोना वायरस का संकट उन इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर कुछ ज़्यादा ही पड़ा है, और इस तरह के कई सेक्टर्स हैं जहां पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। एक ऐसा ही सेक्टर जिसके बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है वो है भारत में प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति हुई है इस संकट के दौरान, वो भी काफ़ी, उस पर भी काफ़ी चर्चाएँ हो रही हैं। भारत इतना कोई आसान, बहुत बड़ा देश है और उसकी समस्याएं भी अलग तरह की हैं। जब वायरस का लॉकडाउन का डिसीजन हुआ, काफ़ी सोचा समझा था सरकार ने, क्योंकि इस भारत की जनसंख्या को देखते हुए, भारत में डेंसिटी पॉपुलेशन को देखते हुए ज़रूरी था कि कुछ ज़ोरदार कदम उठाए जाएं, लॉकडाउन जैसे एक्सट्रीम मेजर्स किए जाएं। और आप, हमने देखा है कि जहाँ पर ये नहीं किए गए हैं वो एक्सट्रीम मेजर्स, उसकी बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, चाहे वो US हो, रशिया हो या ब्राज़ील हो। तो ये निर्णय तो किया गया और ये निर्णय एकदम करना भी पड़ा, लेकिन जैसा कि कहा गया कि इस वायरस के दो मुंह हैं, एक तो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, और दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस। और इकोनॉमिक क्राइसिस का जो उसका प्रभाव पड़ा वो गरीब मजदूरों या तबकों पर ज़्यादा पड़ा है, और इसका उदाहरण हर जगह हम देखने को मिला है, और विशेष करके भारत में तो ये काफ़ी देखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर लगभग 40 मिलियन प्रवासी मजदूर विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि से दूसरे शहरों में, मुंबई में या हैदराबाद में या इन अन्य शहरों में। अगर इन बड़े शहरों को देखा जाए तो उसकी जो बैकबोन है वो ये प्रवासी मजदूर हैं। हम देखते हैं लेकिन उन्हें अनदेखा कर देते हैं, चाहे घर में काम करने वाली बाई हो या ड्राइवर हो या फिर लंच का डब्बा जो आपके ऑफिस में पहुंचा रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मजदूर बैठे हुए हैं, और चारों ओर चाहे ठेले पर सब्जी बेचने वाला आदमी हो, ये सब लोग प्रवासी मजदूर हैं और अपना घर बार छोड़कर हजारों मील दूर एक अपने आमदनी के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए दूसरे बड़े शहरों में रह रहे हैं। और आसान नहीं है इन शहरों में रहना, क्योंकि झोपड़पट्टियों में रहते हैं। जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ, उनके पास ऐसी कोई सुविधाएं तो नहीं है जहां पर उनको एनुअल लीव या सिक लीव इत्यादि कुछ मिल रही हो, ना ही उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही यह लॉकडाउन हुआ वैसे ही उनका जो है रोज़गार भी समाप्त हो गया, और रोज़गार समाप्त होने के साथ ही साथ अब किस तरह से वहां पर रहने के लिए जो रेंट्स हैं वहाँ पर लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने भी उनको घर से बाहर कर दिया। ट्रेन सब बंद, यातायात वाहन इत्यादि सब बंद। ऐसे में उनके लिए बड़ी भारी कठिन समस्या आई, और इस कठिन समस्या का ये बड़ा दुखदायी स्थिति है कि उन्होंने तय किया कि वो पैदल जो है हजारों मील तो नहीं, सैकड़ों मील पैदल यात्रा करेंगे, और इसमें बच्चे, बूढ़े, बड़े, गंभीर बीमार और प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं इत्यादि सभी शामिल थे, चाहे कुछ ट्रकों पर जो पैदल कैसे भी वो ये यात्रा पूरी करके वापस घर जाना चाहते थे। सरकार के लिए भी एक धर्म संकट था कि किस तरह से इस तरह वाहन इत्यादि उपलब्ध कराए जाएं, क्योंकि दूसरी ओर पब्लिक हेल्थ का क्राइसिस भी था। तो इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई कि किस तरह से उनको घर पहुँचाया जाए, और कुछ लोगों ने अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स भी किए। अब सरकार भी इस ओर जागी है और कहा जा रहा है कि करीब 2600 ट्रेन चलेंगी जहां पर अगले 10 दिनों तक, और उसमें प्रवासी मजदूरों को अपना घर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कोशिश हो रही है लेकिन समस्या अपने आप में बड़ी भारी समस्या है। इसमें एक, हालांकि कहते हैं कि एक व्यक्ति अकेला क्या कर सकता, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, लेकिन हर प्रयास इसमें काफ़ी अपना मायने रखता है। और एक ऐसा ही प्रयास किया है, एक बॉलीवुड के एक्टर हैं सोनू सूद, और मैंने तो कभी उनका नाम नहीं सुना था, शायद वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में एक विलन के रोल के बारे में जाने जाते हैं,
लेकिन वो एक हीरो के रूप में उभर के आए हैं। जब उन्होंने ये प्रयास अपने आप ही आरंभ किया कि किस तरह से लोगों को घर से पहुंचाया जाए, उसका अपना उन्होंने अपना व्यक्तिगत प्रयास किया। उनका कहना था कि यह मेरे लिए एक बेहद भावुक सफ़र रहा है, सड़कों पर पैदल चलकर अपने घर जाते मजदूरों को देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है और मैं तब तक उन्हें घर पहुंचाने में मदद करता रहूंगा जब तक आखिरी मजदूर अपने परिवार से न मिल जाए। ये 46 वर्ष के हैं सूद साहब, और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों को ये मजदूरों को उनके घर पहुँचाने में मदद की है और उनको एक हीरो माना जा रहा है। ट्विटर पर तारीफ हो रही है, हर जगह तारीफ हो रही है। और उन्होंने इससे पहले भी पंजाब के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1500 पीपीई किट भी दान किए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मुंबई को अपना होटल स्वास्थ्य कर्मियों को रहने के लिए भी दिया गया है। और आपको मालूम है कि ये रमज़ान का महीना है और इस रमज़ान के महीने में वो भिवंडी इलाके में हजारों गरीबों और प्रवासी मजदूरियों को खाना भी खिला रहे हैं। तो उनके साथ बातचीत की थी बरखा दत्त ने। बरखा दत्त जो स्वयं इन प्रवासी मजदूरियों के लिए इस पर एक अवेयरनेस करने के लिए पिछले करीब 60 दिनों से उनके साथ घूम रही हैं, उन्होंने सोनू सूद के साथ बात की थी। आइए उस बातचीत का थोड़ा सा अंश सुनते हैं। When you look at the plight of migrant workers, many of you have written to us saying, what can we do to help? Well, one individual here in Mumbai, actor Sonu Sood, decided to do something about it. He actually hired private buses to send workers home and worked with the state government here in Maharashtra to get the requisite permission. Sonu's with us right here outside his house in Mumbai. Sonu, what made you decide to do this? मतलब बहुत से लोग होते हैं, वो देखते हैं चीजें और वो कहते हैं हम क्या करें, कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन कोई करता नहीं। Baka, first of all, I would say you have been a big inspiration with, you know, you've been on the road from all... Thank you, 57 days. Yeah. And, you know, when I see all those workers, and I always used to think about you, that if I was at your place, you know, I would ask, chalo yaar, main aage tak aapko lift de deta hun, maybe I can... You know, reduce few kilometers of your journey. So you know, can I tell you, a lot of people ask us this, but yeah. The workers are too many, and we are so we can't give a lift to one worker in a group and not give to the others, and that's the problem. Yeah, that's the most helpless situation, I would say. You know, and I was just thinking how to make this happen. You know, I did my homework. I spoke to a couple of people I know in different states, and the major problem we were facing is that most of the states don't want to have people from Mumbai because you know it's affected. They feel that the infection will travel to the to these states. So somehow we got the permission from Karnataka, and obviously Mumbai government officials really helped me and a lot. And almost 350 people we got them on board. Yes. How did you get permission from Karnataka? You know, we did all the medical tests for all these people, workers, and then we took the police permissions. And I had sent it to Karnataka. Then I spoke to a couple of ministers. You know, I know since I do a lot of work in South, so I had a lot of friends. So I just requested them, just go to the office and get those permissions done. And they finally helped me. And these guys were so overwhelmed when they saw that, you know, the permissions are in place. And that motivated us to, you know, make this happen. And now you're trying to similarly send workers to other states, including Uttar Pradesh. Of course, you know, UP, Uttarakhand, Ranchi, Orissa and Bihar. These are all the states I've been getting non-stop mails from all, you know, people from different states, you know. And Barkha, you know, with all these week 10 days, we had a team of people, you know, a lot of friends I requested. There's a friend who was in the restaurant business, Neeti, you know, I requested her, please come, you know, do some paperwork because I can't make all those things, you know, on paper, you know. People. Yeah, there must be tons of paperwork. Tons of paperwork. And then, you know, all our friends came together and finally we could manage to pull this off. And now we have to make sure that in next 7 days, people can leave to all these states. Yeah. You know, it's so great that what you're doing, and sometimes about Mumbai, people say the industry is very passive, involved nahi hote hain. You know, but I've seen people like you. Do you think that there are a lot of other people who may now take a leaf from your book?
you know, they have to take. I feel, you know, people who say that they don't have much things to do when this lockdown is there. They have all the time in the world. But I feel that, you know, I got more busy when this lockdown happened. You know, more morning I get up at 7:30 till 12 o'clock. I'm making those calls, and the evening also the same process starts. But now with the first lot of people going, I feel even if the whole film industry comes together to make this happen, still we would need some more people to get these workers. But you know, if the industry got involved and everybody hired 300 buses and the states cooperated, that would be a great thing. No, I feel the states need to cooperate, you know, because these migrant workers, they fill their forms, they don't know what to fill, how to fill, how to approach. You know, today I was just speaking to someone just before you came. There are people who are stuck in Worli. They want to go to Ranchi. We organize the buses, almost the permissions are done, but they can't come out. As soon as they came out, you know, they were asked not to go. Then they chose a way through the sea. They swam some shores and all. Now they are on the roads waiting for this permission to come so that they can sit in the buses and go back to Ranchi. So I think that's the kind of struggle that they have to go through. I mean, I have found workers crammed at the backs of truck. I've seen little children walking in the darkness. Wo kehte hain din mein garmi lagti hai to hum raat ko chalte hain. We've seen children crying. We've seen women walking without chappals. So it's heartbreaking. One last question. You also chose to feed a lot of workers. It's during the time of Ramzan. So I just want to know what has made you get so actively involved in this hands-on day? My mom was a professor, and she always used to say me one thing, that you know, if you're only successful if you can help someone in need, you know. And I think that's one thing that triggered me, and we started with almost 400 people, and we were feeding almost 45,000 people, and still it's on. So I think how many people have you fed in this past few weeks? I think in lakhs now. Almost for 7-8 days we have almost 40 to 45,000 count was there, and now still we have almost 22 to 24,000. And still just we recently got busy in the migrant thing, so a lot of attention went there. Since we don't have that larger team which can, you know, help us put things together, but we are trying to do a bit. And as we're walking this road with Sonu, we're seeing some of his neighbors here, and one of them stopped and told me it isn't just people he's feeding, it's also pets. Animals, sir. Yeah, pets. Yeah. Stray animals, stray dogs, stray cats, he's feeding all of them. I thank him so much for it. I really appreciate him and his trust for it. The kindness of people can go. I have just put a message on Facebook for Sonu because I saw about that 4 buses he hired and things like that he's been doing. Yeah. God help him, God help all of us and bless him with everything. Well, bless you and chip in and help him, because, you know, he's really showing that one individual can make a difference. We've seen this in small examples. In Surat, we showed women making just 5 extra rotis in their kitchens and feeding migrant workers with that. Sonu is stepping up. So many of you write to us saying, what can we do? If you're in Mumbai, chip in with Sonu Sood's effort. Thank you so much, sir. Thank you so much, Shapra. When you look at the plight of migrant workers, many of you have written to us. तो ये आपने सुना बरखा दत्त की रिपोर्ट. बरखा दत्त को कहा जाता है कि वो ओपरा ऑफ इंडियन टीवी हैं, और हाल ही में एबीसी टीवी पे भी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट में उनकी न्यूज़ आई थी इसमें. और ये देखना पड़ेगा कि समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, काफ़ी गंभीर समस्या है. और सोनू दत्त के इस प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वो काफ़ी है. कई बार हम सरकार से काफ़ी आशाएं करते हैं, काफ़ी उम्मीद करते हैं, लेकिन हर काम सरकार की भी सीमाएं होती हैं, उनको भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं. हम एज इंडिविजुअल्स, सोनू सूद ने भी कहा कि सब फिल्म एक्टर्स बैठे हैं, अगर वो एक अकेले एक्टर लाखों लोगों को खाना खिला सकते हैं, हजारों लोगों को बस से पहुंचा सकते हैं सरकारों के सहयोग से, तो क्यों ना सब लोग मिलजुल कर इस समस्या का सामना करें और सभी एक दूसरे के साथ दें, तभी जो है इस संकट से जूझ सकते हैं. आइए एक गीत सुनते हैं. कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, तेरे होने से
तेरे होने से घर भरा सा लगे रे, घर भरा सा लगे। तेरी खुशबू है घर की रग रग में, तेरी परछाई में है सौनग में। इश्क ने दिए है जो खुश होके, तेरे बोस तो है मेरे तग में। अच्छी आदत मेरी सिर्फ तुम हो, मानो इज्जत मेरी सिर्फ तुम हो। बिन तेरे वक्त भी बुरा सा लगे, बुरा सा लगे। कुछ न होने का दुख जरा सा लगे, जरा सा लगे। हाँ, तेरे होने से घर भरा लगे। पिछले लॉकडाउन के दिनों में तो काफ़ी घर भरे भरे ही लग रहे थे चारों ओर से, और इस घर भरे भरे घरों में कई बार रिश्तों की भी परीक्षाएं हो जाती हैं। आइसोलेशन और लॉकडाउन, ये सब शब्द जो हैं पिछले दिनों काफ़ी उठाए गए थे। उस पर मैंने एक छोटी सी गज़ल लिखी थी, सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और हाइजीन का जो है अपना थोड़ा सा कुछ, उसमें कुछ शेर हैं, आपको उम्मीद है पसंद आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, दूरियां नहीं थी, क्योंकि ये जब यहाँ पर ये तो जो गीत सुना वो तो बड़े मोहब्बत का गीत था, लेकिन कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस की भी समस्या थोड़ी सी गंभीर हो रही थी, क्योंकि सब लोग बंद एक घर में थे। दूरियाँ नहीं थी अखर थी कभी, दूरियां नहीं थी अखरती कभी, नज़दीकियां बस हैं परखती अभी, नज़दीकियां बस हैं परखती अभी। नापें कैसे उन दूरियों को, नापें कैसे उन दूरियों को जो नज़दीकियों में सिर्फ दिखती हैं अभी। नज़दीकियों में बहुत कुछ दिखने लगता है, दूरी में तो बहुत चीज़ें दूर रहती हैं। हैंडशेक पर कोशिश होती थी सर्द हाथ नहीं मिलाएं, पैंडेमिक से पहले गर्मजोशी से हाथ नहीं मिलाओ तो हाथ मिलाने की कोशिश नहीं होती थी। कोशिश होती थी सर्द हाथ नहीं मिलाएं, बहानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी, बहानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी। आइसोलेशन की जब तक बात कहें, आइसोलेशन में भीड़ में भी रहे थे हम हमेशा अकेले ही, भीड़ में भी रहे थे हमेशा अकेले ही, तकलीफ इसकी चुभती नहीं है अभी, तकलीफ इसकी नहीं चुभती अभी। और जूम की तो काफ़ी बातें हो रही हैं, बेहतर है जूम पर ही हो मुलाकातें,
बेहतर है जूम पर ही हो मुलाकातें, यहाँ दरारों पर जूम नहीं हो सकती अभी। या जूम पर तो बहुत कुछ छिपाया जा सकता है। आशा है ये आपको गज़ल पसंद आई होगी। और इसके साथ ही साथ आज के ज़माने में जो कुछ जुमले छोड़े जा रहे हैं, हमारी शब्दावली ही पूरी बदल गई है। कुछ जुमले, कुछ फ्रेजेस, कुछ वाक्य जो पहले कभी नहीं सुने थे, वे अब रोज दिन प्रतिदिन सुने जा रहे हैं और उनका इतना प्रयोग किया जा रहा है कि लगता है कि कई बार उनका अर्थ ही गुम हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, पैंडेमिक, वायरस, न्यू नॉर्मल, लाइफ हैज बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन और वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। कोरोना के आने से पहले ये सब शब्द अलग ही अलग दिखते थे, समझ भी नहीं आते थे। कोरोना के आने से पहले हमारा तो वायरस का मतलब बस कंप्यूटर का वायरस होता था। Y2K बग सबसे बड़ा वायरस था जो दुनिया को तहस नहस करने वाला था। लेकिन जो काम Y2K का फेक बग नहीं कर पाया, वो काम रियल कोरोना वायरस ने करके दिखाया है। पेंडेमिक इससे पहले सिर्फ एक मुहावरा था, ट्रेन में दौड़ भाग हो रही है, भीड़ भाड़ हो रही है, पेंडेमिक छाया हुआ है। लेकिन अब तो ट्रेनें खाली हैं लेकिन फिर भी पेंडेमिक चारों ओर फैला हुआ है, अब तो वो एक सच्चाई बन गया है। सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में एक विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेज है। सोशल होने का अर्थ तो है मिलना जुलना, उसमें डिस्टेंसिंग या दूरी हो तो फिर सोशल कैसे हो सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन, हमेशा सुनते थे क्रिमिनल्स को लॉकअप में रखा जाता है, यानी बंद दरवाजों के पीछे। यहाँ पूरी मानव जाति बंद दरवाजों के पीछे छिप गई है, उसे लॉकअप के बजाय लॉकडाउन कहा जा रहा है, समझ में नहीं आता। न्यू नॉर्म, हर जगह ये कह रहा है दिस इज अवर न्यू नॉर्म या न्यू नॉर्मल है। और लाइफ एज वी नो हैज बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन का भी इस्तेमाल हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर से ज्यादा हम लोग ये कर रहे हैं। पूछा जाए तो वर्किंग फ्रॉम होम, कहा जाता है वर्किंग फ्रॉम होम न्यू नॉर्म है, लेकिन इसमें क्या न्यू नॉर्म है भाई? ये हमेशा टेक्नोलॉजी थी लेकिन हमने कभी इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की सोचा ही नहीं। इसमें न्यू नॉर्म क्या है, ये तो पुराना नॉर्म होना चाहिए था। स्कूलिंग फ्रॉम होम भी नए न्यू नॉर्म है। कैफेज, रेस्तरां बंद हैं, लोग घर में स्वस्थ खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये न्यू नॉर्म है। स्वस्थ खाना खाना न्यू नॉर्म क्यों है, नॉर्मल क्यों नहीं है? जिम्स बंद हैं, लोग परिवार के साथ बाहर खुली हवा में वॉक कर रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये भी न्यू नॉर्म क्यों है, समझ में नहीं आता है। पहली बार सरकारें मिलजुल कर काम कर रही हैं, नेशनल कैबिनेट बनी है, संकट से जूझ रही हैं, इसमें भी क्या न्यू नॉर्म है? हमेशा क्या सरकारों को नॉर्मली देश और जनता के हित में काम नहीं करना चाहिए मिलजुल कर? एक दूसरी फ्रेज जो न्यू नॉर्म के साथ चलती है वो है लाइफ एज वी नो हैज बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन। लाइफ एज वी नो, पेंडेमिक से पहले जो लाइफ एज वी नो, सुबह उठो भागते दौड़ते तैयार होकर पेंडेमिक से पहले, कार में बैठो, ट्रैफिक में अटके रहो और उस पर झल्लाओ, ऑफिस पहुंचकर कॉफी की कतार में लगो और खराब कॉफी की शिकायत करो, लंच में बर्गर और चिप्स भकोसो, दिन भर एक बेमानी मीटिंग से दूसरी बेमानी मीटिंग में वक्त बर्बाद करो, शाम को फिर ट्रैफिक में अटको, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की चढ़ती कीमतों को कोसो, बड़ी सी SUV में बैठकर सब लोगों को देखते हुए गाड़ियों में जाते हुए देखो कि क्लाइमेट चेंज का क्या होगा, कार्बन एमिशंस का क्या होगा। घर आकर खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती, फ्रीजर से हफ्तों पहले फ्रीज दाल को गर्म करके मियाँ बीवी एक दूसरे को हेलो कहते थे, बच्चे आपसे बात करना चाहते थे, आप परेशान थे, झिड़क देते थे, फिर वर्क लाइफ बैलेंस ना होने का रोना रोते रहते थे। पॉलिटिशियंस देश के हित में काम करने के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे रहते थे। अब आप ही बताइए, लाइफ एज वी नो हैज बीन टर्न्ड अपसाइड डाउन और डाउन साइड अप। और एक और फ्रेज फेंकी जा रही है, वो है वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। इसका भी अर्थ समझ में नहीं आता जब इसमें कोई सिंसियरिटी नहीं होती। उस दिन बैंक का एक लेटर आया, वी आर ऑल टुगेदर इन दिस और आपके होम लोन की जो है मिनिमम रिपेमेंट की किश्त जो है अब कम कर दी गई है, खुश हो जाइए। तो इसका मतलब है बैंक अब 20 साल के बजाय या 30 साल के बजाय आपका खून 40 साल 50 साल तक चूसेगा। इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है कि वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, वो वायदा करती हैं, लेकिन आपका जनवरी का हेल डैमेज का क्लेम अभी भी लटका हुआ है। और सबसे बड़ी मुश्किल आती है जब वो रियल एस्टेट एजेंट के लेटर्स आने लगते हैं,
वो कसम भरता है कि वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, और साथ ही ये पूछता है कि घर बेचना है तो वो साथ देने के लिए तैयार है, और भाई नौकरी तो जा चुकी है, घर जाने में वो हाथ बटाने के लिए तैयार है। सरकार भी सबकी मदद करेगी, परंतु इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो या कैजुअल हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो वापस जाओ, अगर 12 महीने से कम काम किया है तो कैजुअल हो तो आपको जॉब कीपर नहीं मिलेगा, न्यू साउथ वेल्स में हो तो क्वींसलैंड में नहीं जा सकते हो, विक्टोरिया में हो तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकते हो, मगर वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। सच तो यह है कि अगर आपका साथ कोई निभा सकता है तो आप और आपका परिवार। आइए गीत सुनते हैं। मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी, और ऐसे के रह जाए इस चोरी में ना कमी, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के और रात गुजर जाए, मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। मैंने सोचा। दोस्तों समय समाप्त हो रहा है, मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। आशा है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा और ये कार्यक्रम फिर प्रसारित होगा आज शाम को 3 बजे के समय, और साथ ही साथ आप रेडियो मनपसंद सुनते रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। रेशमी जुल्फों के झरने खोल दो, पंखुड़ी से लबों की कुछ बोल दो, गर्दन की इस सुराही से कुछ जान छलक जाए, मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी। This influenza कमी।
दोस्तों, इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहूंगा और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद ऐप पर आपके। जाओ ना जल्दी से जाओ ना, दोनों हाथ धो के भगाओ कोरोना कोरोना। जाओ ना जल्दी से जाओ ना, दूरियां रख कर भगाओ कोरोना कोरोना। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आरजे जगदीश। तो जैसा मैंने कहा, आप सभी सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 24 घंटे सातों दिन तड़का लगा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका मास्टर सलीम और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के।